हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे बीटरूट यानी चुकंदर से लस्सी। तो वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये हमने दो बीटरूट लिया है, इसे हमने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो ये देखिए, इसका हमने छिलका उतार लिया है और इसे पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, एक टुकड़ा अदरक का डाल देंगे और कुछ पुदीने की पत्तियां डाल देंगे। ढक्कन लगा के मिक्सी में एक बार घुमा लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे, वापस से ढक्कन लगा के इसे पीस लेंगे। अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच दही डालेंगे। ये हमने खट्टी दही ली हुई है। साथ ही में हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें काला नमक डाल देंगे। साथ ही में हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच रेगुलर सॉल्ट डाल देंगे। नमक को हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल देंगे, कुछ धनिया पत्ता डाल देंगे और ढक्कन लगा के वापस से हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी लस्सी बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हम ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें शुगर डाल सकते हैं, पर चुकंदर में हल्का मिठास होता है इसलिए हमने इसमें चीनी नहीं डाली है। चुकंदर बहुत ही फायदेमंद होता है, ये बड़े कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही में हमारी बॉडी को एनर्जेटिक भी बनाता है। ये लस्सी हमारी बनके तैयार है। अब ऊपर से हम इसमें 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। चम्मच से हम इसे मिला लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी पी सकते हैं या फिर आप इसे ठंडा करके भी पी सकते हैं। तो ये बीटरूट लस्सी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही आसान रेसिपीज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते जाएँ। थैंक यू।